सिम का ऑर्डर बता दो। अरे इसे जब प्रोनाउंस करते हैं ना, इसे क्या कहते? थ्री डिग्री फ्री रेडिकल को ट्राई मिथाइल भी कह सकती हो। हाँ, तीन मिथाइल है ना। पीछे सेकेंड लास्ट, यस नापोली बताओ। प्लस एम का ऑर्डर, हाँ बोल। ठीक है, ओ टू याद नहीं की? बोलो क्या किया जाए। ठीक, हाँ माइनस एन एच टू है। सोचो जरा सा, सोचो। कल सुनाएगी, कल सबसे पहले आके तुम्हें पूछेंगे। हाँ ठीक है, तुमको याद नहीं है पूरा,
अच्छे से याद थोड़ी की है, अच्छे से याद करती तो इतना बार में दो बार सुना देती। कल सबसे पहले आके तुम ही पूछेंगे यादव, ठीक है? उधर कल बैठोगी ना? हाँ बैठो। और बाकी लोग याद करके आए हो ना, है? ठीक है, तो इसका मतलब हम कभी भी पूछ सकते हैं। आ रहा है ना समझ में? हम कभी भी पूछेंगे, और जब हमको जवाब नहीं मिलेगा तो फिर तुम अपना समझ लेना, समझे? जब मन किया कूटने का ठोकने का पूछ लेंगे, ठीक है? तुम्हारा जो सुरक्षा है वो तुम्हारे ही हाथ में है। चलो, कल कहाँ तक पहुंचे थे? एरोमेटिक में। एरोमेटिक में क्या बोले थे? क्या बोले थे? कि किसी भी कंपाउंड का एरोमेटिक होने के लिए उसका साइक्लिक होना जरूरी है, ठीक है? साथ ही साथ दूसरा क्या बताए थे? कि उस कंपाउंड में डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन भी होना जरूरी है कंप्लीट रिंग में, ठीक है? साथ ही साथ क्या बोले थे? कि वो हकल्स रूल को फॉलो करेगा, और हकल्स रूल क्या होता है तुम्हारा? 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन 4n प्लस 2 पाई के फॉर्म में रहता है, और n का वैल्यू हम लोग 0 1 2 3 4 कुछ भी पुट कर सकते हैं। इफ हम लोग क्या पुट करेंगे? यदि हम लोग 0 पुट करते हैं तो फिर क्या आ जाएगा तुम्हारा? बोलो, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ना? तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यदि है ना, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएगा, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ हम लोग देखेंगे कंजुगेशन है, साइक्लिक है, ठीक है? तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? एरोमेटिक है। प्लेनर भी, ठीक है? प्लेनर यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड का होना। बात समझ में आया, ठीक है? ये डबल बॉन्ड यदि है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो sp2 ही हाइब्रिडाइज होगा, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वहां नहीं रह करके पॉजिटिव चार्ज है फिर भी वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। बात समझ में आया? नेगेटिव चार्ज यदि रेजोनेंस में है तो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। क्लियर है? समझ में आया? तो ये चीज क्लियर हुआ, और साथ ही साथ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया, उसके बाद कितना पाई इलेक्ट्रॉन? 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है? 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, उसके बाद 18 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस तरीके का यदि मिलेगा तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड यदि कोई कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, तो रेजोनेंस के कारण तो उसको स्टेबिलिटी मिल रहा है, लेकिन यदि वो एरोमेटिक भी हो जा रहा है उसकी स्टेबिलिटी और बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। बात समझ में आया? तो जनरली हम लोग अभी क्या देख रहे थे? केवल रेजोनेंस, रेजोनेंस के बाद हम लोग हाइपर कंजुगेशन, हाइपर के बाद इंडक्टिव, लेकिन अब एक और इसमें जुड़ गया, दैट इज कॉल्ड एरोमेटिक, एरोमेसिटिक कैरेक्टर, एरोमेटिक कैरेक्टर, ठीक है? एरोमेटिक कैरेक्टर यदि किसी में मिलने लग जाएगा तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। समझ में आया हम क्या बोले? एरोमेटिक कैरेक्टर मिलने के बाद, तो देखो कल कल स्ट्रक्चर क्या बनाए थे हम? इस तरीके से किसको लेकर के बनाए थे हम? बेंजीन रिंग को बनाए थे ना, और इसमें अपने को क्या मिला था? इसमें अपने को मिला था कि ये क्या है तुम्हारा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, था ना? हकल्स रूल को फॉलो करता है, प्लेनर है, सब कुछ था, ठीक है? जनरली तुम देख लो कॉन्जुगेशन वगैरह है, और एक और जो बात कहे वो चीज क्या बोले? कि कार्बन कार्बन यदि प्लेनर, और sp2 खोजने का तरीका, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नजर आ रहा है तो वो क्या होगा? sp2, ठीक है? यदि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और इधर तुम्हारा डबल बॉन्ड है कुछ भी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे यदि तुम्हारा आ जाए पॉजिटिव चार्ज, यानी डबल बॉन्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज आ जाए, फिर भी ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? sp2 हो जाएगा, ठीक है? और यदि इसका नेगेटिव चार्ज, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये कार्बन और ये तुम्हारा आ जाए नेगेटिव चार्ज, समझे? यहाँ हाइड्रोजन दे देना, वैसा मत बोलना सर हाइड्रोजन नहीं है, नेगेटिव चार्ज, तो ये रेजोनेंस में आ गया ना, तो भी ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? sp2। तो इस तरीके से इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्लेनर कहेंगे। तो प्लेनर खोजने का भी तरीका समझ में आया, और कॉन्जुगेशन वगैरह सब देख लेना। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? क्या कहलाएगा? एरोमेटिक कहलाएगा, ठीक है? उसी प्रकार से हम क्या एग्जांपल और ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये है तुम्हारा, ठीक है, ये इस प्रकार से, और ये ऐसे, और ये ऐसे, बताओ ये क्या होगा? कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या 8 पाई है, सॉरी 10 पाई है ना 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 इधर और 4 उधर, 10 पाई इलेक्ट्रॉन के लिए फिर क्या होगा? ये बोलो एरोमेटिक होगा ना, 2 के बाद 6 के बाद 10, ठीक है, फिर 4 का डिफरेंस आएगा, ठीक है? तो ये क्या कहलाएगा? एरोमेटिक। समझ में आया? अब देखो थोड़ा सा और समझो इस चीज को, और क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम, कि जैसे कि ये कंपाउंड है O, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक, और ये ऐसे, ये ऐसे, ये डबल बॉन्ड ओ, ये देखो
और ऑक्सीजन का दो लोन पेयर होता है, ये तुमको बताया नहीं जाएगा, अंडरस्टूड है, समझ में आया ना? तो यहाँ भी हम लोन पेयर है और यहाँ भी लोन पेयर है। ये बताओ ये रिंग में कॉन्जुगेशन कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? फोर। जो इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा वो पाई इलेक्ट्रॉन्स कहलाएगा। अंडरस्टूड, समझ में आया? अब देखो ऑक्सीजन का कितने इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब लोन पेयर है, दो लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर को यदि हम कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेटेड यदि मान ले तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? सिक्स। तो मेरा काम क्या है, किसी भी स्ट्रक्चर पर स्टेबिलिटी गेन करवाना। तो स्टेबिलिटी गेन कैसे करेगा, यदि वो पार्टिसिपेट करेगा इलेक्ट्रॉन, तो ध्यान में रखना कभी इस तरीके का कंडीशन आए तो खुद से तुमको मानना होगा कि इसको हमको पार्टिसिपेट करवाना है कि छोड़ना है। समझ में आया, क्लियर है? और यदि पार्टिसिपेट करवाने से एरोमेटिक कंडीशन को वो सेटिस्फाई करता है तो जरूर करवाना है। समझ में आया, क्लियर है ना? लेकिन हाँ वैसा नहीं कि कहीं दूर वाले को करवाना, जो कॉन्जुगेशन में आएगा, जो रिंग में रहेगा उसको, ठीक है? तो ध्यान में रखना कि ये वाला जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है वो तुम्हारा क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन नहीं कहलाएगा, ठीक है? डू नॉट पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन, डू नॉट काउंट इन, ऐसा लिख देते हैं, इन कॉन्जुगेशन, ठीक है? लेकिन ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो किसमें क्या होगा, काउंट होगा किसमें, कॉन्जुगेशन। इज दैट क्लियर? तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पे, इस प्रकार से सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन कॉन्जुगेशन पूरे रिंग में हो पा रहा है क्या? नहीं हो पा रहा। देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल और सिंगल, और यदि ये कंडीशन आ जाए, कोई भी तुमको कंपाउंड देखने से सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन आ जाए या इस तरीके का कुछ उसमें आ जाए, तो क्या करो ना, उसका एक बार देखो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा क्या, तो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है? और उनमें से कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यदि उसके एरोमेटिसिटी को या एरोमेटिक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो समझ लो कि वो वाला भी तुमको क्या मानना पड़ेगा, एरोमेटिक मानना पड़ेगा। समझ में आया? उसके उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे, ये डबल बॉन्ड किधर टूटेगा, ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा, तो फिर बताओ ये किस तरीके से बनेगा। ओ ये तुम्हारा ऐसा, ये देखो ईओ पे क्या आएगा, नेगेटिव, इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव, ये ऐसा, ये देखो। अब बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके हुए, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन हुआ, कॉन्जुगेशन इन होल रिंग, कॉन्जुगेशन इन होल रिंग आया, हो गया। तो बताओ क्या ये क्या होगा, एरोमेटिक, यस एरोमेटिक, यानी ये कंपाउंड तुम्हारा एरोमेटिक शो करेगा। समझ में आया हम क्या सिखा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ये, इस तरीके का कंपाउंड तुमको परेशान कर सकता है, ठीक है? उसी तरीके से ये देखो तुम्हारा, ये देखो इसका नाम है पायरोल, ठीक है? और साइकिल में यदि हेट्रो एटम आ जाए तो इसको किस प्रकार का साइक्लिक कंपाउंड कहा जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक, याद है, पढ़े थे ना, एरोमेटिक है लेकिन हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड इसको कहेंगे। बात समझ में आया, हेट्रोसाइक्लिक पहले बता चुके हैं नोमेनक्लेचर में ही, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड म्हणजे कि साइकिल में कार्बन के अलावा कोई हेट्रो एटम का आना, नाइट्रोजन का, सल्फर का, ऑक्सीजन का, इस तरीके का यदि कोई एटम आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, हेट्रोसाइक्लिक, और यदि एरोमेटिक है तो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। अंडरस्टूड? तो ये एग्जांपल है हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक का, बताओ ये एरोमेटिक होगा क्या, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन है, कॉन्जुगेशन में है, तो इसको क्या बोलेंगे, एरोमेटिक, ठीक है? उसके बाद यदि हम लोग देखें और एग्जांपल देख लो तुम, ठीक है, इसको फ्यूरेन, थायोफीन, पिरिडीन, और पिरिडीन को पीवाई भी लिखा जाता है, ठीक है? और ये भी देखे होगे तुम, जिसको हम लोग क्या बोले थे, बोराजोल बोले थे, बोराजोल क्या था तुम्हारा, इनऑर्गेनिक बेंजीन, याद आ रहा है?
और इसका फॉर्मूला क्या था, बी थ्री एन थ्री एच सिक्स, ठीक है, बी थ्री एन थ्री एच सिक्स बोले थे ना, और पूछे थे हम उस समय रेजोनेंस पढ़ाते समय कि इसमें कॉन्जुगेशन होता है कि नहीं, तो था ना, नाइट्रोजन अपना क्या करता था, लोन पेयर को क्या करता था, कोऑर्डिनेट करता था किसमें, बोरोन के वैकेंट ऑर्बिट में, ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चर इसका कैसे तुम्हारा बनता था, ये बोरोन, ये रहेगा नाइट्रोजन, ये तुम्हारा बोरोन नाइट्रोजन बोरोन नाइट्रोजन, और ये तुम्हारा देखो, तो नाइट्रोजन का क्या था, लोन पेयर, ठीक है, और इसका तुम्हारा क्या था, वैकेंट ऑर्बिट, यहां सब जगह क्या रहेगा, एच, ठीक है, तो देखो क्या हुआ था, ये अपना लोन पेयर को किसमें कर दिया था, इसके वैकेंट ऑर्बिट में, और वैकेंट ऑर्बिट में किया था, तो ये जो है एक्चुअल में ही एग्जिस्ट कैसे करता है, ये तुम्हारा बी, ठीक है, एन एन, फिर उसके बाद बी एन बी, और ये ऐसा, ये देखो, ठीक है, ये ऐसा, और हाइड्रो, चूंकि बोरोन ने इलेक्ट्रॉन लिया तो उस पर निगेटिव चार्ज, ठीक है, और नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या है, तुम्हारा एरोमेटिक होगा, क्यों, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन, अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है, उसके बाद हेडिंग डालना क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, क्या हेडिंग डालोगे, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक ही होता है, बस उसको अलग तरीके से कहा जाता है, वो भी एरोमेटिक ही है, ठीक है, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड जो है ना, वो चार्ज, किसी भी चार्ज के कारण यदि एरोमेटिक बनता है, ठीक है, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड में ऐसा समझो कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज पार्टिसिपेट करे और जिसके कारण उसका एरोमेटिक कंडीशन वो सेटिस्फाई करे, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वासी एरोमेटिक कहते हैं, समझ में आया, वैसे कंपाउंड जिसका एरोमेटिक कंडीशन जो है सेटिस्फाई करे चार्ज के कारण, पॉजिटिव या नेगेटिव के कारण, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वासी एरोमेटिक या फिर एरोमेटिक भी कहते हैं, स्पेशल नाम तुम्हारा जो है वो क्वासी एरोमेटिक होता है, लिखो, द एरोमेटिक कंपाउंड इन विच, द एरोमेटिक कंपाउंड इन विच, द एरोमेटिक कंपाउंड इन विच पॉजिटिव, द एरोमेटिक कंपाउंड इन विच चार्ज, ऐसे लिखना चार्ज, और ब्रैकेट में लिखना पॉजिटिव और नेगेटिव, चार्ज और ब्रैकेट में लिखना पॉजिटिव और नेगेटिव, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, इज डीलोकलाइज्ड इन होल रिंग, इज डीलोकलाइज्ड इन होल रिंग, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। अब एग्जांपल के तौर पे देखो जरा सा, जैसे कि यदि हम ये ले लें, इसका नाम क्या बताए थे, प्रोपाइलिनियम आयन ना, ठीक है,
देखो जरा साहब इस चीज को समझो, यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? बोलो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, कॉन्जुगेशन सब में जा रहा है, ठीक है, ये क्या होगा तुम्हारा एरोमेटिक, सारा सेटिस्फाई कर रहा, सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ठीक है, सब प्लेनर है, चेक करोगे सब तुम्हारा प्लेनर मिलेगा, ठीक है। अब तुम्हारा ये वाला देखो, इसको हम लोग और कैसे लिखे थे याद है तुमको? इसको हम लोग और कैसे लिखे थे ये याद है? ऐसे करके और पॉजिटिव चार्ज करके ऐसे लिखे थे ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका बताओ कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये भी क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। और इसको हम लोग कैसे लिखे थे याद है? ऐसे लिखे थे, ठीक है। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, और सब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज देखो कहीं ना कहीं इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है डिलोकलाइजेशन में, ठीक है, जिसके कारण ही इसको क्वासी एरोमेटिक भी कहा जाता है या फिर एरोमेटिक भी कह सकते हो। तो इसको हम लोग कैसे लिखे थे याद है? ठीक है समझो। अब जरा सा ये 6th वाला पॉइंट को समझो, ये वाला एरोमेटिक है निगेटिव चार्ज के साथ, ये वाला एरोमेटिक है पॉजिटिव चार्ज के साथ, तो दोनों को यदि मिला करके फ्यूज्ड करके एक नया यदि हम बनाएंगे तो वो भी एरोमेटिक ही बनेगा, क्योंकि एक मेरा एरोमेटिक था दूसरा भी एरोमेटिक था, तो दोनों को फ्यूज्ड करके एक हम नया बनाए। देखो इस प्रकार से, ये वाला क्या है पॉजिटिव वाला है, ये वाला क्या है निगेटिव वाला है, तो दोनों को मिला दिए, तो मिलाने के बाद जो बनेगा वो भी क्या बनेगा? एरोमेटिक ही बनेगा। और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा, देखो देखो, अब यहां पे तुम्हारा क्या रहेगा, ये ऐसा, समझ में आया? एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। और इसमें 3 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन था देखो है, और इसमें 4 था देखो इसमें भी है तुम्हारा, मतलब 2 डबल बॉन्ड था है ना, और उसमें 3 डबल बॉन्ड थे हैं, तो ये तुम्हारा ये भी क्या कहलाएगा? एरोमेटिक कहलाएगा, ध्यान में रखना। और वैसे देखोगी तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6, 4, 10, ठीक। हाँ सेकंड वाले में ये ऊपर जो निगेटिव है ना उसको 2 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा मानो, हाँ निगेटिव कहीं भी रहे तो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्लियर है। और इसको एनुलीन कहते हैं, नाम याद रखना, एनुलीन नहीं एजुलीन होगा इसका नाम, हाँ एजुलीन, इसका एक नाम भी है एजुलीन, ध्यान में रखना। इस तरीके का यदि कंपाउंड दे दे तुमको, ठीक है, तो कैसे करोगे इसको? सबसे पहले डबल सिंगल डबल में ले आओ, यहां से चालू करो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है, आया, और बीच में भी एक हो जाएगा तुम्हारा डबल। अब चेक करो आ रहा है क्या सब जगह? डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल सब जगह आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे जोड़ो तो, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहा, तो ये एरोमेटिक होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है, एरोमेटिक नहीं होगा, लेकिन ये गलत है। ये जो तुम कह रहे हो कि एरोमेटिक नहीं होगा, तुमको हम क्या बोले थे, इन पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड हकल्स रूल वैलिड ओनली पेरिफेरी ऑफ द कंपाउंड सरकमफेरेंस। तो अब सरकमफेरेंस वाला ट्राई करो, कितना आ रहा है इसमें तुमको आएगा अब
14 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएगा, ठीक है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, एरोमेटिक। समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है फेनेंथ्रासिन जी, बताए थे ना, बताए हैं। अरे बोलो, कॉमन नेम लिखते समय नहीं बताया था नोमेनक्लेचर में, बेंजीन रिंग का जब बता रहे थे, एरोमेटिक का कॉमन नेम बता रहे थे, फेनेंथ्रासिन, ठीक है, नेप्थेलिन बताए थे ना, दो रिंग एक साथ में है तो नेप्थेलिन। चलो अब बताओ, ये एरोमेटिक है, काउंट करो किनारे किनारे, ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, एरोमेटिक, देख लो जरा सा तुम अपने से, हो रहा है ना, गड़बड़ हो रहा है या हो रहा है, चेक कर लो। ट्वेल्व आ रहा है, हाँ तो फिर थोड़ा सा अब तुम परेशान हो गए। अब हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड का पोजीशन को चेंज कर देते हैं, एक बार हम कर सकते हैं ना, डबल आया सिंगल, फिर देखो डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, लो आप देखो, पेरिफेरी काउंट करो, हुआ कितने हुए, कितना 14 आया, हो गया। तो इस तरीके वाले में हर बढ़ाना नहीं, जनरली जब बेंजीन रिंग जुड़ा रहता है ना, तो एरोमेटिक ही होगा, वो 90% एरोमेटिक होगा, क्लियर है, ध्यान में रखना, कहीं कहीं तुमको परेशान कर सकता है। हाँ कर सकते हो, बस ध्यान में रखना, अपने मन से पाई बॉन्ड को बढ़ा मत देना, चेंज कर सकती हो, पोजिशन को हम बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन ध्यान में रखना, कॉन्जुगेशन में है तो उसको भी कॉन्जुगेशन में ही रखेंगे, ये चीज बात को ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो जी बताओ, ये एरोमेटिक है क्या, जल्दी बताओ थोड़ा, बोलो एरोमेटिक है, कैसे एरोमेटिक है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 2, 4 और ये वाला 6, इसको भी काउंट करोगे क्या, नहीं काउंट करने की जरूरत है, जैसे तुम याद रखो यहाँ पे पिरिडीन था, तो पिरिडीन में क्या था, ये देखो यहाँ नाइट्रोजन था और ये ऐसा था ना, तो ये वाला लोन पेयर नॉट काउंट इन कॉन्जुगेशन, क्यों, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, ऐसा ही 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये देखो 2, 4, 6, तो ये कितना हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन था, इसको काउंट करने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है, उसी प्रकार से इसको काउंट करने की जरूरत नहीं है। अब बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, कॉन्जुगेशन है क्या पूरे रिंग में, चेक करो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है बट कॉन्जुगेशन नॉट प्रेजेंट इन होल रिंग, तब अब क्या करें। और ऊपर से और एक खास बात पता है क्या, तुम और एक चीज ध्यान नहीं दी, ये नाइट्रोजन sp3 है, नाइट्रोजन तुम्हारा अभी क्या नजर आ रहा है, sp3, ठीक है, हालांकि यदि हम रेजोनेंस में ये पार्टिसिपेट करवा दे तब उसका लोन पेयर चला जाएगा तो sp2 माना जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी तुम्हारा क्या है, यदि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो क्या मान के चलेंगे,
sp3, ठीक है, लेकिन होल पूरा जो है वो तुम्हारा कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद यदि हम ऐसा करें कि इस डबल बॉन्ड को हम तोड़ दे ऑक्सीजन की तरफ, तो यहां पे क्या जाएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव आएगा तो ये डबल बॉन्ड देखेगा क्या, नहीं देखेगा, कोऑर्डिनेट करेगा तुरंत, जिसके कारण जो है वो यहाँ स्ट्रक्चर कैसा बनेगा तुम्हारा, नाइट्रोजन, ये ऐसा, ये कार्बन, ये तुम्हारा नाइट्रोजन, और ये ओ पे निगेटिव, और यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड आएगा, नाइट्रोजन ने कोऑर्डिनेट किया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन रहेगा, और ये देखो ये, अब बताओ हो गया पूरा कॉन्जुगेशन, ये आ गया 6 pi इलेक्ट्रॉन एंड कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन होल रिंग, समझ में आया। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, बोलो, सतर्क रहना थोड़ा, होशियार रहना, किसका, फेनेंथ्रासिन, अब उसके बाद हेडिंग डालना एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, तो इसके कंडीशंस लिखो, एंटी एरोमेटिक के कंडीशंस लिखो, ठीक है, लिखो ऑल द कंडीशंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, ऑल द कंडीशंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, ऑल द कंडीशंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड एक्सेप्ट हकल्स रूल, एक्सेप्ट हकल्स रूल आर वैलिड, हकल्स रूल को छोड़ करके बाकी सारा वैलिड होगा, यानी कि प्लेनर होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, ठीक है, ये सारा कुछ क्या रहेगा, वैलिड रहेगा, हकल्स रूल केवल वैलिड नहीं होगा। लिखो इन केस ऑफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, इन केस ऑफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन in whole ring in the form of 4n pi, ठीक है, 4n pi, ठीक है, where n is equal to 1 2 3 4 ... ठीक है, यानी कि यहां ध्यान में रखना है n का वैल्यू कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 से, ठीक है, अब 1 यदि 4 n का वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आएगा, सबसे पहले 4 आएगा, 2 रखोगे तो 8 आएगा, 3 रखोगे तो 12 आएगा, यानी कि सिंपल सी बात है कि अपने को यदि एरोमेटिक देखना है तो क्या देखेंगे, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे, 2 6 10 14 18 22, समझ में आया। लेकिन यदि अपने को एंटी एरोमेटिक देखना है तो क्या देखेंगे, 4 8 12, समझ में आया, 16, इस तरीके से हम लोग देखेंगे, बात समझ में आया, क्लियर है। और बाकी ये सारा का सारा रूल जो है वो किसका, ये इस पे वैलिड है, एरोमेटिक वाला, सब प्लेनर होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, समझ में आया, ठीक है। तो देखो जैसे कि हम एक कंपाउंड ले लेते हैं, ये वाला, ये देखो, तो ये बताओ क्या है तुम्हारा, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 4 pi इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा, और एक पॉइंट इसमें ऐड कर लेना कि एंटी एरोमेटिक, लास्ट पॉइंट ऐड करना, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आर अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आर अनस्टेबल, आर अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, बात समझ में आया, ठीक है। तो बताओ ये तुम्हारा कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हुआ, 4 pi इलेक्ट्रॉन्स हुआ ना, अब 4 pi इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन सब में है, पूरा देख लो, ठीक है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक क्या होता है, ये तुम्हारा अनस्टेबल, अनस्टेबल, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। अब अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए
ये डाइमर का फॉर्मेशन करता है। डाइमर का मतलब दो मॉलिक्यूल का मिलना, दैट इज कॉल्ड क्या होता है डाइमर। तो दो मॉलिक्यूल मिल करके एक नया मॉलिक्यूल बना देता है, उससे उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है बढ़ जाती है। तो ये क्या करता है, इसी प्रकार से दो मॉलिक्यूल ले आया यहाँ पे, समझ में आया? ठीक है, एक और पास ले आया, ठीक है, देख लो जरा सा ये, और ये जो अंदर वाला बॉन्ड है वो आधा इधर टूटेगा, आधा इधर, रेडिकल में आधा इधर और आधा इधर। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, देखो जरा सा, ये ऐसा नजर आएगा क्या, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। फिर यहाँ पे ये दूसरा वाला जो है वो नजर आएगा तुम्हारा, फ्री रेडिकल आ रहा क्या, और यहाँ पे पाई बॉन्ड, समझ में आया? अब दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो दोनों आपस में जुड़ करके क्या बन जाएंगे, ये देखो ये बन जाता है, बन गया। अरे रेडिकल था, आपस में यहां से यहां जुड़ा, यहां से यहां जुड़ा, ठीक है। अब तुम देखोगे कि ये वाला कार्बन जो है वो तुम्हारा sp3 हो गया, ये वाला कार्बन भी क्या हो जाएगा sp3, और ये वाला कार्बन भी क्या हो जाएगा sp3, ठीक है, और ये स्टेबल होगा, ठीक है, स्टेबल होता है। और इस तरीके के कंपाउंड को जिसके रिंग में कहीं भी एक जगह sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम आ जाए तो वैसे को हम लोग कहते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। एक को क्या कहें, एरोमेटिक, एक को क्या कहें, एंटी एरोमेटिक जो कि अनस्टेबल है, लेकिन एक को क्या कहें, नॉन एरोमेटिक, पूरे रिंग में कहीं भी एक जगह sp3 हाइब्रिडाइज आ जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, बोलो, नॉन एरोमेटिक, ठीक है, देख लो। तो ये नॉन एरोमेटिक है, ठीक। तो यदि हम स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी की यदि हम बात करें तो सबसे पहले कौन सा होगा, एरोमेटिक, एरोमेटिक, देन उसके बाद नॉन एरोमेटिक, ठीक है, और देन उसके बाद क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। और ये ध्यान में रखना जी, ठीक है। बताओ ये कंपाउंड क्या है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, फोर, फोर आ रहे हैं, फोर। लेकिन कॉन्जुगेशन पूरे रिंग में है क्या, नहीं, नहीं ना है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऊपर भेज दो, ऊपर भेजने के बाद क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये ऐसा, यहाँ पे ओ पे क्या आएगा, निगेटिव, यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, फिर भी फोर पाई इलेक्ट्रॉन्स है, कॉन्जुगेशन इन होल रिंग है ना, कॉन्जुगेशन इन होल रिंग, समझ में आया? ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, समझ में आया, क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। अब जरा सा समझो कि जो एरोमेटिक होता है और एंटी एरोमेटिक होता है, खास करके इन दोनों में एरोमेटिक वाला ज्यादा स्टेबल क्यों होता है और एंटी एरोमेटिक वाला तुम्हारा स्टेबल कम क्यों होता है, इस चीज को हम लोग समझ सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। किससे समझ सकते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। तो ये थोड़ा सा ध्यान दे करके समझना। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहाँ का है, केमिकल बॉन्डिंग का है, पढ़े थे ना कि जो इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, और उसमें भी तुम्हारा अलग अलग कॉन्फिगरेशन होता है, ठीक है, 14 और उससे बिलो का अलग हो जाता है, उसके बाद का तुम्हारा अलग हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, सिग्मा सिग्मा स्टार पाई पाई स्टार वाला पढ़े थे, याद आ रहा है, यदि केमिकल बॉन्डिंग याद होगा तो, ठीक। अब उसमें दो होता है, दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक तो होते हैं बॉन्डिंग मॉलिकुलर, दो ऑर्बिटल होते हैं, एक होता है बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल और एक होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, हाइयर इनर्जी के होते हैं। लोअर इनर्जी पे कौन रहेगा तुम्हारा, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, और अपर हाइयर एनर्जी पे कौन तुम्हारा रहेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बात समझ में आया? अब देखो नाम भी समझ में आ रहा है,
क्यों एंटी एरोमेटिक आया तुम्हारा, समझ में आया? क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी काफी कम होती है, काफी ज्यादा वो अनस्टेबल होता है, समझ में आया? जैसे कि हम एक एग्जांपल ही तुम्हारे सामने ले लेते हैं, ये तुम्हारा ये देखो जरा सा, ये जैसे एग्जांपल है अपने पास, जैसे हम पाला लिए थे ये वाला, याद है? देखो ये लिए थे ना, हाँ, तो ये क्या था अपने लिए, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या है ये एंटी एरोमेटिक, तो इसको हम लोग एमओटी से देखेंगे, किससे देखेंगे, एमओटी से। तो देखो इसको समझने का तरीका है किस तरीके से, तो देखो ये वर्टिसेस जो है ना उसको हम लोग ले जा रहे हैं यहाँ पे, उसी से हम लोग क्या बनाएंगे ना, उसी से हम लोग बनाएंगे उसका ये क्या बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो नीचे वर्टिसेस है, यहाँ पे देखोगे तो दो है और यहाँ पे ऊपर में एक है, है ना, बात समझ में आया? तो ये देखो यहाँ पे कितने वर्टिसेस हैं, एक, तो ये एक हम दे दिए ऐसे, यहाँ पे कितने वर्टिसेस हैं, दो, तो यहाँ पे एक दिए, ठीक है, और एक यहाँ पे दे दिए बगल में, याद करो ऐसे डब्बा बनता था, याद है पी ऑर्बिटल का, याद है कि नहीं, हाँ, और फिर एक नीचे यहाँ पे बनता था, ये वाला बनता था ऐसा, ठीक है, एक ये बनता था और एक कैसा बनता था, ये वाला ऊपर हो जाता था, ये दोनों, ये ऐसा और ये नीचे तुम्हारा ऐसा हो जाता था, तो वैसा ही टाइप है क्या, एक नीचे है और दो ऊपर है, देख लो, है ना, वही वाला चीज हम बना रहे हैं, बस इस तरीके से समझाने के लिए बना रहे हैं। और ऊपर में कितने वर्टिसेस हैं, ये एक देखो, तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, फोर, तो कैसे इलेक्ट्रॉन जाता है, अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, ये सब को फॉलो करते हुए, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन पहले इसमें जाएगा, गया, और फिर कितना बचा, दो, तो एक इसमें जाएगा और एक किसमें जाएगा, इसमें, समझ में आया, ठीक है। और ये वाला तुम्हारा जो है ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये वाला तुम्हारा नॉन बॉन्डिंग, और ये वाला तुम्हारा एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो देखो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए यहाँ पे, यही कहे तो और ज्यादा दूसरे वाला एग्जांपल देखेंगे तो उसमें एंटी बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रॉन तुम्हारा नजर आता है, बात समझ में आया? तो उसके कारण उसकी अनस्टेबिलिटी जो रहती है वो ज्यादा हो जाती है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल से समझने की कोशिश करो, जैसे कि हम ये ले लेते हैं, अभी बेंजीन रिंग का भी बताएंगे, ये देखो ये पॉजिटिव चार्ज वाला ले रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वाला, तो एक ये वर्टिसेस है, यहां से ले गए, एक ये खींच दिए, यहाँ पे दो वर्टिसेस है, यहाँ पे ऐसे गए, एक यहाँ लिए और एक यहाँ लिए, यहाँ पे भी दो वर्टिसेस है, ये क्या ले लिए, यहाँ ले लेंगे और यहाँ ले लेंगे, समझ में आया क्या, ठीक है। ये वाला जो तुम्हारा रहता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा और ये वाला तुम्हारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, फोर पाई इलेक्ट्रॉन्स है, है ना, तो क्या हो जाएंगे, एक दो तीन और ये हो जाएगा चार, तो देखो फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, ये क्या कहलाएगा, एंटी एरोमेटिक, ठीक है, पेयर्ड वाले होने चाहिए तब वो एरोमेटिक तुम्हारा कहलाने लगता है। अब देखो जैसे उसका एग्जांपल हम बता रहे हैं, तो ये दोनों तुम्हारा किसके एग्जांपल हो गए, बोलो, एंटी एरोमेटिक के, एंटी एरोमेटिक के। ये केवल हम बता रहे हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम बता सकते हैं कि ये अनस्टेबल क्यों है और ये स्टेबल क्यों है, बस ये रोल है, ठीक है। तो ये तुम्हारा यदि हम तीसरा यदि हम देखें एक एग्जांपल, तो यहाँ पे देखो ये इस तरीके से ये हम निगेटिव ले लेते हैं इस बार, तो सेम उसी प्रकार से वर्टिसेस से जाएंगे, यहाँ हम एक लेंगे, यहाँ पे यदि हम लेंगे तो दो लेंगे और यहाँ पे फिर कितना लेंगे, दो, और ये क्या है तुम्हारा बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल और ये क्या रहेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है बताओ, टोटल सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन है, तो देखो यहाँ पेयर्ड, यहाँ भी पेयर्ड और यहाँ भी पेयर्ड, सब पेयर्ड में आ गए, एक भी अनपेयर्ड है क्या, नहीं, तो पेयर्ड में आ गए तो स्टेबिलिटी क्या होगी उसकी, बढ़ेगी, तो इसीलिए ये क्या होता है तुम्हारा एरोमेटिक, समझ में आया। अब देखो इसी में एक और तुम्हारा बेंजीन रिंग का भी बता देते हैं, ठीक है, बेंजीन रिंग का देखो चौथा, ठीक है, ये देखो, तो यहाँ देखो एक वर्टिसेस यहाँ मिलेगा, यहाँ पे कितने वर्टिसेस मिलेंगे, दो, ये यहाँ, ठीक है, ये इसमें कितने मिलेंगे, दो, तो ये यहाँ, उसके बाद ऊपर में कितने मिलेंगे, एक, तो ये दोनों क्या हो गए,
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये दोनों क्या हो जाएंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स थे 6। ठीक है तो ये होगा 1 2 3 4 ये 5। ठीक है सॉरी यहाँ 1 है ना वही तो हाँ ठीक है सॉरी उल्टा बना दिया यहाँ 1 ठीक है और यहाँ पे क्या लेना है 2। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 चेक करो हुए तो ये इसीलिए ये क्या होते हैं स्टेबल होते हैं और एरोमेटिक कहलाते हैं। समझ में आया। और ये अनपेयर्ड मिले ना इसीलिए ये क्या कहलाएंगे अनस्टेबल। ठीक है और एंटी एरोमेटिक। क्लियर है क्या देख लो जरा सा चलो छापो जल्दी से इसको। उसके बाद हेडिंग डालना एनुलिन। हो गया उधर एनुलिन। जल्दी करो टाइम नहीं। मैराथन चलता है मेरा मैराथन सुबह से 10 बजे से। चलो हो गया। ठीक है आप देखो जरा सा
अब इसमें क्या है ना कि जैसे कि तुमको क्वेश्चन किस तरीके से, हाँ यहाँ इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnHn, जितना कार्बन रहेगा उतना ही क्या रहेगा, हाइड्रोजन। ठीक है, अब क्वेश्चन में कैसे तुमसे पूछ सकता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात कर रहे हैं तो 4 और ये ऐसे एनोलिन, और इसमें भी तुमको एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक यही सब देखना है। समझ में आया, 4 एनोलिन, तो इसमें कैसे बनेगा, 4 एनोलिन बनाने का तरीका, 4 कार्बन का रिंग बना दो और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेट कर दो, मतलब कि एक पोजीशन छोड़ करके डिलोकलाइज, वैसा जगह डालो जहां पे डिलोकलाइजेशन हो, डबल सिंगल डबल हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से यदि तुमको लिख दे जैसे कि 6 एनोलिन, क्या लिख दे, 6 एनोलिन, तो ये क्या करोगे, 6 कार्बन का तुम रिंग बनाओगे और डबल बॉन्ड क्या करोगे, समझ में आया, डबल सिंगल डबल बैठा दोगे। उसी प्रकार से तुमको लिख दे 10 एनोलिन, तो 10 एनोलिन के लिए क्या करोगे, ये देखो, है ना, देखो इस तरीके से होगा। ठीक है, अब बताओ कि ये जो 4 एनोलिन है वो क्या है, क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, ये बताओ क्या होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये बताओ क्या होगा, ये बताओ क्या होगा, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या होना चाहिए, एरोमेटिक, लेकिन होता नहीं है, क्यों नहीं होता है? समझ लो इसका एक्सेप्शन केस है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, यहाँ का जो हाइड्रोजन होता है ना वो ऐसा रहता है और यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ होता है, तो दोनों हाइड्रोजन एक साथ आने पे दोनों में क्या होता है, रिपल्सन। ठीक है, ड्यू टू रिपल्सन, रिपल्सन, ठीक है, बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम। ठीक है, एनोलिन, 10 एनोलिन लॉस्ट। ठीक है, ये अपने प्लेनरिटी को लॉस्ट कर देता है, जो प्लेनर है ना वो नॉन प्लेनर हो जाता है। ठीक है, इट बिकम्स नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर कौन होता है, एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि नॉन एरोमेटिक sp3 होता है, हालांकि ये sp2 होते हुए भी क्या हो गया, प्लेन से हट गया, तो ये क्या कहलाने लगेगा अब, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा नॉन एरोमेटिक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। उसके बाद इसी में 8 एनोलिन, ठीक है, क्या बोलते हैं, 8 एनोलिन, तो 8 कार्बन का रिंग बनाओ। ठीक है, ये देखो हो गया, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसके अनुसार क्या होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक, लेकिन ये भी नहीं होता है, ये एक्चुअल में बाथटब शेप टाइप का पाया गया है। ठीक है, यानी कि ये बेसिकली जो है ये ऐसा पाया गया है। ये देखो, है ना, बाथटब शेप। अब क्या करेंगे, पाया गया है तो पाया गया। ठीक है, तो ये बताओ प्लेनर है क्या, नॉन प्लेनर होगा। ठीक है, और नॉन प्लेनर होगा तो क्या हो जाएगा, ये नॉन एरोमेटिक। देख लो, ये बताओ क्या है,
नेप्थलीन है ना, क्या है ये बताओ, कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स, और क्या होगा, ठीक है। अब लिखो चार्ज एनुलीन, एनुलीन में मान लो चार्ज आ गया, लिखे। अरे भैया 6 7 8 सॉरी 10 आ रहा है ना, गलत लिख दिए। अब लिखो चार्ज एनुलीन, हाँ एरोमेटिक तो होगा ही, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज्ड एनुलीन, ठीक है। तो जैसे ये तुम्हारा लिखा रहेगा C8H8-4 ऐसा यदि लिख के दे दे तो क्या करोगे, 8 कार्बन का बनाओगे, अब वहां पे फिर इलेक्ट्रॉन दोगे, कहां इलेक्ट्रॉन दोगे, कहां माइनस करोगे, तो इसमें गलती होने का ज्यादा चांस है, ठीक है, चार्ज एनुलीन में। लेकिन यदि हमको ये पता चल जाए कि कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो उससे हमको समझ में आ जाएगा एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। बात समझ में आया, तो हम तुमको एक सस्ता मजबूत और टिकाऊ उपाय बताते हैं जो किताब में नहीं मिलेगा, बस समझ लो बनाया हुआ है, जुगाड़ है, ठीक है, और लगता है सब जगह वैलिड। तो क्या करना, इसका पाई इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए नंबर ऑफ डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स बराबर क्या करोगे, n माइनस चार्ज, क्या कर देंगे, n माइनस चार्ज। तो n क्या, n बराबर कितना है, क्या निकलेगा, 8 है ना, 8 माइनस 4, तो 8 और 4 क्या हो जाएगा, 12 पाई इलेक्ट्रॉन। 12 पाई इलेक्ट्रॉन बताओ क्या होगा, एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक, है ना, एंटी एरोमेटिक। समझ में आया क्या, इसी में तुम्हारे लिख दे C14, ठीक है, C24H24+6, तो कैसे निकलेगा, 24 और माइनस 6 कितना हो जाएगा, 18 पाई इलेक्ट्रॉन, बोलो क्या होगा, एरोमेटिक, ठीक है। इसी में लिख दे C36, ठीक है, C30H30-8 क्या लिखेंगे, 30+8 क्या होगा, 38 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज एरोमेटिक, ठीक है। हो गया, उसके बाद हेडिंग लिखना सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, जैसे कि समझना, ये भी वही है, इससे भी क्या पता चलेगा तुम्हारा, वो रिएक्शन होने के बाद वो कंपाउंड तुम्हारा एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो जैसे कि यदि हम बात करें यहाँ पे Cl ले, ठीक है, और ये देखो ऐसे यदि है, ठीक, और रिएक्शन इसका हो जाए SbCl5 के साथ, या फिर ले ले हम PCl5 के साथ, या फिर हम ले लें AlCl3 के साथ,
ठीक है, तो क्लोरीन बताओ बाहर निकलता है तो क्या लेकर के निकलता है, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव, पता है ना, हाइड्रोजन पॉजिटिव, क्लोरीन ब्रोमीन ये सब क्या लेकर निकलता है, नेगेटिव। तो इनके क्या होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल, क्या होते हैं सबके, क्या होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, तो क्लोरीन यहां से जब बाहर निकलता है ना तो इनके वैकेंट ऑर्बिटल में चला जाता है सीएल माइनस लेकर के, तो बनेगा क्या, क्लोरीन बाहर निकल गया तो क्या ये बनेगा, ये तुम्हारा ऐसा ऐसा, और यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये क्या बन जाएंगे, बन जाएंगे HBCl6 माइनस, या तो बन जाएंगे PCl6 माइनस, या फिर बन जाएंगे AlCl4, बोलो AlCl4 माइनस, ये बन जाएंगे। अब ये जो कंपाउंड है ये बताओ क्या है, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, क्या है, क्या है, एरोमेटिक है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्या है, एरोमेटिक, समझ में आया। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन में यही तुमको जानना है, ठीक है। अब जैसे कि रिएक्शन तुम्हारा देखो, ये देखो इसके साथ है और रिएक्शन वही HBCl5 के साथ, ठीक है, कुछ भी रह सकता है इस तरीके से, तो बताओ क्या निकलेगा, Cl निकलेगा, क्या Cl माइनस लेकर के निकलेगा, यहाँ चला जाएगा और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इस तरीके से, और ये हो जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव, प्रोपाइलिनियम आयन आ गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला, क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, और ये क्या रहेगा, HBCl6 माइनस, ठीक है। तो इस तरीके के भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। चलो क्वेश्चन है, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। नॉन एरोमेटिक, ठीक है, एरोमेटिक को ए लिखेंगे, एंटी एरोमेटिक को ए लिख देंगे और नॉन एरोमेटिक को एन ए लिख देंगे, चलेगा, ठीक। अब हम बना रहे हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर, दिखाएंगे नहीं, वो अब तुमको खुद समझना है कि वहां लोन पेयर होता है कि नहीं होता, इतना अब तुमको नहीं हम बताएंगे, ठीक है।
ये जो कंपाउंड बनेगा वो क्या रहेगा, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक या क्या, ठीक है। ऊपर लिख दे रहे हैं जी, कौन 7 और 8, हाँ तो चेंज कर देते हैं, यहाँ पे माइनस दे दो, इधर का हो गया। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है जी, कहाँ गया वो एच वाला, हाँ चलो हुआ। कितना नंबर, 19 तक गए हैं हम केवल, अच्छा ओके हाँ, तो क्या करना है इसमें, हाँ HBr है, हाँ हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हो गया। नहीं हुआ अभी तक, देखो पाला बताओ जी क्या होगा, क्या होगा, कैसे एंटी एरोमेटिक, इसका लोन पेयर भूल गए क्या, क्या होगा एरोमेटिक, ये बताओ क्या होगा एरोमेटिक, है ना, ये बताओ क्या होगा एंटी एरोमेटिक, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये बताओ क्या होगा
नॉन एरोमेटिक, ये वाला पार्ट जो है वो sp3 है, ठीक है। ये बताओ एरोमेटिक, ये लोन पेयर, ये बताओ एरोमेटिक, चेक करो आ रहा है ना। अरे 6, 7, 8, 9, 10, ये बताओ एरोमेटिक, सब पूरा कॉन्जुगेशन है और डबल बॉन्ड एक ही जगह है, 2π इलेक्ट्रॉन्स। ये बताओ एरोमेटिक 6π इलेक्ट्रॉन के साथ, ये बताओ ये भी एरोमेटिक होगा, इसका लोन पेयर ले लो ऑक्सीजन का। क्या बोले थे तुमको, बताया थोड़ी जाएगा, वो सोचना है, वहां मान के ही रखना है। ऑक्सीजन का 2 लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन का 1 लोन पेयर होता है, वो दिमाग ला के बैठा दो पहले। चलो इसका बताओ क्या होगा, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 16, तो 16 क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक होगा, तो ये एंटी एरोमेटिक होगा, ये बताओ एरोमेटिक होगा, है ना, इसका लोन पेयर लो, ये बताओ एरोमेटिक होगा, है ना, ये बताओ एंटी एरोमेटिक होगा। नाइट्रोजन पे अब पॉजिटिव चार्ज है, लोन पेयर बचा ही नहीं, 4π इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। ये बताओ क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन देखो, इसका इलेक्ट्रॉन देखो, कितने हो गए, जरूरत से ज्यादा हो गया ना, तो क्या होगा, ये एंटी एरोमेटिक होगा। ये बताओ क्या होगा, अच्छा HBr2 के साथ रिएक्शन होगा ना, तो एक बन जाएगा HBr, यहाँ देखो क्या बनेगा, एक तो ये बनेगा, ठीक है, यहाँ पे H पॉजिटिव लेके बाहर निकलेगा, ठीक है, और एक Br के साथ चला जाएगा, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और क्या बन जाएगा, HBr, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br- एनायन कैटायन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ बताओ अब क्या हो जाएगा, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 6π इलेक्ट्रॉन, और ये क्या कहलाएंगे, एरोमेटिक, समझे। अब ये Cl कहाँ चला जाएगा, इसके साथ क्या बनेगा, ये बनेगा, कुछ नहीं होगा, ये बनेगा AlCl4-, ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक, क्यों, क्योंकि sp3 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, sp3 कार्बन मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। अब यहां से उठ करके यहां जाओगा तो क्या बनेगा, ये ऐसा बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव, और साथ ही साथ क्या बनेगा, AlCl4-, ये भी क्या होगा, नॉन एरोमेटिक, क्यों, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या होगा, sp3, अब PCl5 के साथ Cl उठ करके चला जाएगा, क्या बन जाएगा, ये चला जाएगा ऐसा, और यहाँ क्या बनेगा, पॉजिटिव, क्या होगा, एंटी एरोमेटिक, है ना, और साथ ही साथ क्या बनेगा, PCl6-, जाला पूरा। कितना तक हो गया, 20 तक हुआ ना, एक 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 नंबरिंग जो है गड़बड़ हुआ था, 20 तक हुआ ना। चलो ये होमवर्क देते हैं, सेम क्वेश्चन है, होमवर्क है, इंपॉर्टेंट। चलो ये होमवर्क रहा तुम्हारा, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अच्छे से सारा कुछ करके आना, और वो चीज जो कहें याद रखने के लिए वो याद रखना, समझ आया, कल सबसे पहले तुमसे पूछेंगे, और बाकी जो है वो ऐसा मत समझे कि उनसे नहीं पूछ सकते।
और कल सीट बना के लाना, जो दिया गया ना उसको रखे हुए हो गया अभी तक एकदम नया नया ताजा ताजा फ्रेश है फ्रिज में से। नॉमेनक्लेचर उसका भी रिवीजन करवा देंगे लास्ट में एक दिन, प्रेडिक्ट कोशिश करेंगे खत्म हो जाए तुम्हारा फ्राइडे को, ठीक है। और सैटरडे को इस समय जो लास्ट वाला जो पीरियड रहता है ना एक घंटा, उसमें हम लोग क्या करेंगे रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। या और जल्दी खत्म हो जाए एक दिन पहले तो और बढ़िया, तुम लोग पढ़ के आओगे तो तुरंत खत्म हो जाएगा, अब नहीं पढ़ के आओगे तो फिर मुंह धो देखोगे यहाँ पे। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। Thank you.